दोस्ती के बीच में पनपी एक मोहब्बत की कहानी हो सकती है ये, अथवा कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। जो लोग स्वागत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी आत्ममुग्धता के दौर में हैं, और जो लोग उसके अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगा करके और विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी अपना समय खराब कर रहे हैं। जिससे उसकी प्रेम कहानी पनपी है वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिससे हम बहुत ज़्यादा षड्यंत्र की बू आँख देख सकें। गोंडा जनपद के एक बड़े कवि हुए आदम गोंडवी जी, वो भी मात्र 5 पास थे, लेकिन उन पर दिल्ली विश्वविद्यालय, गोवा विश्वविद्यालय में रिसर्च हुए उनकी कविताओं पर। तो भाषा और बोलने की कला ये प्रकृति प्रदत्त है, ये बाई नेचर है, ये शिक्षा से नहीं आती। ऐसे जिन लोगों ने अंग्रेजी बचपन से बोलना सीख लिया है वे बिना पढ़ाई के भी फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। एक विदेशी महिला का आना और उसे भारत में संरक्षण देने के बारे में जरूर सरकार को जांच करनी चाहिए। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का मसला अभी एक थमा भी नहीं था, एक नया इवेंट हो गया। सीमा हैदर जी का, सीमा हैदर सचिन, पाकिस्तान से इंडिया ने 1 गोल्ड 4 सिल्वर जीत लिए हैं, जश्न का माहौल है। हमारे साथ में इसी पर बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अयोध्या के मुकेश पांडे जी। हालांकि उम्र में तो आप युवा हैं लेकिन अनुभव आपको बहुत ज़्यादा है, और इसलिए पत्रकारिता क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पर आप आज भी कार्य कर रहे हैं, वो आप बताएंगे खुद। ढेर सारी शुभकामना आपको अयोध्या दर्पण। धन्यवाद दिनेश जी, आपने हमें इस विषय पर बात के लिए चुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका इस मसले पर क्या मानना है, क्या सवाल आप जानना चाहते हैं? सवाल ये, जो बवंडर बहुत बड़ा है, जश्न का माहौल है, लग युवा तो कह रहे हैं नई बहू आ गई, नई भाभी जी आ गई हैं, और जो हैं कह रहे हैं बहू आ गई है, मालूम पड़ रहा जैसे पाकिस्तान को विजित कर दिया गया है एकदम से। ये क्या हो रहा है, मेरी समझ नहीं आ रहा। राय एजेंसियाँ जहाँ पर उसके एक जांच करनी चाहिए, इतनी पाकिस्तान में एक वीज़ा लेने के लिए हमारे देश के संबंध वहाँ से क्या है भारत में, और इतना नाको चने चबाने पड़ते हैं। एक सहजता से एक महिला आई और क्या माहौल बन गया, इस पर क्या कहें? देखिए, हम इस दौर ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तिल को ताड़ बना देने की एक कल्चर सा डेवलप हुआ है, एक हाइपरबोलिक संस्कृति डेवलप हो रही है, जिसमें अगर हम किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध हो जाते हैं, और यदि किसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आक्रामक या कटु हो जाते हैं। तो अगर इस दृष्टि से जो लोग स्वागत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे भारत के और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते सुधरने वाले हैं या सांस्कृतिक रिश्ते बदलेंगे। ये एक प्रकार का दो व्यक्तियों की, एक महिला की जो विवाहिता है और बच्चे हैं उसके, और एक युवक की जो आज फेसबुक की दुनिया है, ट्विटर की दुनिया है, उससे जो वैश्विक रिश्ते बनने लगे हैं, वैश्विक बातचीत होने लगी है, वैश्विक दोस्ती होने लगी है, उस दोस्ती के बीच में पनपी एक मोहब्बत की कहानी हो सकती है ये, अथवा कोई एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को सीमा हैदर के मामले में एक प्रॉपरली जाँच करनी चाहिए, और जांच के बाद यदि वो विवाह की स्थितियां अनुकूल हैं तो विवाह की अनुमति और भारत में रहने की स्वतंत्रता तभी देनी चाहिए जब हम उस मसले पर मुतमईन हो जाएं कि इससे हमारे देश को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो जो लोग स्वागत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो भी आत्ममुग्धता के दौर में हैं, और जो लोग उसके अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप लगा करके और विरोध कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी अपना समय खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो सीमा हैदर या सचिन का जो प्रकरण है वो ऐसा प्रकरण नहीं है जिस पर हम देशवासियों को बहुत ज़्यादा समय और बर्बाद करना चाहिए या बहुत ज़्यादा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि इससे न हमारा भला होने वाला है, न पाकिस्तान पर हमने इससे कोई बढ़त हासिल कर ली है। ये इस तरीके की चीज़ें समाज में हो रही हैं, होती रहेंगी, इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता बदली नहीं जा सकती, ना संस्कृति बदली जा सकती है। वो महिला कह रही हम कक्षा 5 पास है, और उसके बाद में भी कह रही हमारे यहाँ स्कूल नहीं जाया जाता है, घर पे रह के पढ़ाई की जाती है, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है, और ये सब होते हुए भी पहले जो इतिहास रहा है इस तरह की महिलाओं का दुरुपयोग किया गया है देशों में, इसको देखते हुए क्या आपको नहीं लगता है उसे उसके एटीट्यूड जितने हैं वो एक संदिग्धता की तरफ, एक जाँच की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जिससे उसकी प्रेम कहानी पनपी है वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिससे हम बहुत ज़्यादा षड्यंत्र की बू आँख देख सकें। लेकिन और दूसरा सवाल जहाँ तक शिक्षा का है कि फराटेदार अंग्रेजी बोलती है और उसे कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई उसकी, मात्र 5 तक पढ़ाई है। तो मैं अपने गोंडा जनपद के एक बड़े कवि हुए आदम गोंडवी जी, वो भी मात्र 5 पास थे, लेकिन उन पर दिल्ली विश्वविद्यालय, गोवा विश्वविद्यालय में रिसर्च हुए उनकी कविताओं पर। तो भाषा और बोलने की कला
ये प्रकृति प्रदत्त है, ये बाई नेचर है, ये शिक्षा से नहीं आती। और आज के दौर में अंग्रेजी कोई ऐसी भाषा नहीं है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कोई उर्दू बोलता है, फारसी बोलता है। वैसे जिन लोगों ने अंग्रेजी बचपन से बोलना सीख लिया है, वे बिना पढ़ाई के भी फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये कोई बहुत गंभीर मसला नहीं है। लेकिन एक विदेशी महिला का आना और उसे भारत में संरक्षण देने के बारे में ज़रूर सरकार को जांच करनी चाहिए। ये बताइए एक सवाल, अभी आपने कहा कि वो एक जिस व्यक्ति से उसको मोहब्बत हुई है वो इतना काबिल नहीं है, आईक्यू लेवल अलग अलग है, और इस तरह का अगर महिला प्रयोग कर रही है कि एक इलिटरेट से यहाँ पे शादी कर रही है, उसकी भी बहुत कम उम्र है, 22 वर्ष लगभग उसकी उम्र है। इस तरह बॉलीवुड में भी हस्बैंड भी ऐसे डब्बा रखे जाते हैं जब कुछ महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता चाहिए होता है, क्या आपको नहीं लगता है इससे और संदिग्धता जन्म ले रही? देखिए, संदिग्धता जन्म ले रही है ये बात सही है, ये सवाल भी आपका उचित है, लेकिन जब जिससे उसकी प्रेम कहानी है, जब उसकी हम माली हैसियत को देखते हैं, तो फिर ये सवाल थोड़ा बौना हो जाता है। क्योंकि पूरे देश के हमारे किसी वो ऐसे वैज्ञानिक सोच से जुड़ा नहीं है, हमारी रक्षा प्रणाली से उसका कोई रिलेशन नहीं है, प्रशासनिक प्रणाली से कोई रिलेशन नहीं है, और ना उस तक पहुंच है कि जिससे वो कोई खुफिया सूत्र जो है तलाश करके वो पाकिस्तान भेज देगी। और दूसरे, जिस तरह से शोर करके वो आई है और जिस तरह से उसका आगमन है फेसबुक पर दोस्ती की है, तो उससे मुझे लगता है कहीं हमारा मिथ्या भ्रम भी हो सकता है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहना चाहूँगा कि जब दो देशों के बीच का मामला है, दो देशों के दो लोगों के बीच की प्रेम कहानी का मसला है, तो हमें ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जांच पड़ताल करनी चाहिए। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से और जो विदेश मंत्री हैं उनसे मैं ज़रूर ये अपेक्षा करूँगा कि इस मसले को वो जांच के बाद ही जो है कोई सहमति या असहमति दें। अंत में बात उसी पाए गई, जांच पर आप भी आ गए। अब देखिए, पाकिस्तान का इतिहास रहा है वो हमेशा विश्वासघात करता रहा है, तो इस तरह के क्या आपको नहीं लगता ये प्रयोग किया गया है, इस पर बिना किसी जांच पड़ताल के उस महिला को वापस भेजना चाहिए? देखिए, बिना जांच पड़ताल के तो भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में वो प्रवेश कर चुकी है। भेजने के पहले भी जाँच जरूरी है और रोकने के लिए भी जांच जरूरी है, तो जांच तो हर हाल में होनी ही चाहिए, मेरा अपना जहां तक मानना है। और पाकिस्तान की विश्वसनीयता का सवाल है जहां तक, तो मैं भी पाकिस्तान की विश्वसनीयता का बिल्कुल कायल नहीं हूं, और कई बार हमने उससे धोखे खाए हैं, युद्ध झेला है, और हमारे उनके बीच में तमाम मसलों पर कटुता है, प्रेम का भाव नहीं है, तो हम इसे सहज जाने नहीं दे सकते हैं। ये हैं बड़े भैया मुकेश पांडे जी, पत्रकारिता जगत के युवा भीष्म पितामह आप कह सकते हैं, भीष्म पितामह कह सकते हैं, साथ साथ युवा भी आप कह सकते हैं। आपने अपनी राय ली, कहा कि देखिए प्यार एक अलग चीज़ है, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, इलिटरेट है क्या, लेकिन यह है कि इसमें जांच एक ज़रूरी विषय है। चूँकि पाकिस्तान हमेशा संदिग्ध रहा है, हमारे उसके रस्ते संदिग्ध रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो महिला ओपनली आई है, इस तरह कोई भी इस तरह का संशय शायद ना हो, शायद नहीं होना चाहिए। ढेर सारी शुभकामना भैया आपको। धन्यवाद।